धोनी ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से कमाल कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में धोनी ने अपने वनडे करियर का 65वां अर्धशतक जमाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। धोनी किसी एक टीम के खिलाफ वनडे में सबसे ज़्यादा अर्धशतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में धोनी ने 18 अर्धशतक श्रीलंका के खिलाफ जमाए हैं। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 17 अर्धशतक श्रीलंका के खिलाफ जमाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी सचिन वनडे क्रिकेट में 16 अर्धशतक जमा चुके हैं। इसके अलावा धोनी विकेट कीपर के तौर पर किसी एक टीम के खिलाफ भी सबसे ज़्यादा अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। धोनी ने 18 अर्धशतक श्रीलंका के खिलाफ विकेट कीपर के तौर पर खेलते हुए जमाए हैं, तो वहीं संगकारा ने विकेट कीपर के तौर पर भारत के खिलाफ 18 अर्धशतक जमाए थे। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 99 अर्धशतक जमा दिए हैं। धोनी और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका गेंदबाज फिर से घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धोनी ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से कमाल कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में धोनी ने अपने वनडे करियर का 65वां अर्धशतक जमाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। धोनी किसी एक टीम के खिलाफ वनडे में सबसे ज़्यादा अर्धशतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में धोनी ने 18 अर्धशतक श्रीलंका के खिलाफ जमाए हैं। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 17 अर्धशतक श्रीलंका के खिलाफ जमाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी सचिन वनडे क्रिकेट में 16 अर्धशतक जमा चुके हैं। इसके अलावा धोनी विकेट कीपर के तौर पर किसी एक टीम के खिलाफ भी सबसे ज़्यादा अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। धोनी ने 18 अर्धशतक श्रीलंका के खिलाफ विकेट कीपर के तौर पर खेलते हुए जमाए हैं, तो वहीं संगकारा ने विकेट कीपर के तौर पर भारत के खिलाफ 18 अर्धशतक जमाए थे। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 99 अर्धशतक जमा दिए हैं। धोनी और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका गेंदबाज फिर से घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब